Mr. Modi, on the issue of economy, I think there is need for some clarity. And I'll take a few moments. I'll take a few moments, Mr. Modi. My first question is that when the price of petrol is increased, the BJP calls it a betrayal of the people. Now, crude prices will continue to increase. This will be your real test. You have been critical of subsidies in the past, Mr. Modi. Can you really afford to pull back subsidies given your own political positions on issues of price rise? किसने कहा ऐसा आपको? मैंने कब ऐसा कहा? Well, you have. कहाँ चला है? Well, मेरा मत ये है. I can quote you, Mr. मैं बताता हूँ. मैं ये कहता हूँ कि देश की तिजोरी पर सबसे पहला हक गरीबों का होता है. सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए. सरकार वो हो जो गरीबों का सुने. सरकार वो हो जो गरीबों के लिए करे. ये मेरे शब्द है भाई. आप कहाँ से लाते हो? कंटिन्यू द फूड सब्सिडी. पहली बात है, मेरे गुजरात में भी मैं आज भारत सरकार ने हमारा कोटा कम कर दिया है. 11 लाख परिवारों को मेरी सरकार के बजट से मैं दे रहा हूँ. क्या मेरे देश का गरीब भूखा मरेगा क्या? क्या मेरे देश को भूखा मरने दूंगा क्या? सरकार की तिजोरी किस काम के लिए? गरीबों के लिए. और इसमें हमारा कमिटमेंट है. देश ऐसे नहीं चल सकता जी. I asked you the question because on January 19th you said Congress party offered doles to win the election. That was seen to be a reference to subsidies. दो चीजें अलग है भाई. आप चुनाव के समय कोई एक गिफ्ट घोषणा करे उसका चर्चा अलग होता है. इकोनॉमिक पॉलिसी में डाउनट्रोडन लोगों के डेवलपमेंट की आपकी जो स्कीम हो वो अलग चीज होता है. दो अलग चीजें हैं. Mr. Modi, your manifesto says barring the multi-brand retail sector, FDI will be allowed in all sectors which are needed for job and asset creation. Does that mean you will revoke FDI in retail? देखिए ऐसा है. What signal will that send to foreign investors? Government एक continuity process होती है जी. Continue process होती है. ये देश में बहुत बुरा हुआ है कि सपा वाले एक district बना दें, बसपा वाले उस district को खत्म कर दें. AIDM की एक डिसीजन करे, DM के आकर के दूसरा कर दे. देश ऐसे नहीं चलता है. बहुत मैच्योर डिसीजन लेते होते हैं. और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस प्रकार की कटुतापूर्ण बातें कभी नहीं कही हैं. हमारा ये कहना है कि भाई आज देश को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना बड़ा धक्का लगेगा, हमारे नौजवानों का रोजगार चला जाएगा और देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए जॉब क्रिएशन. जॉब क्रिएशन के लिए हमारी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. हमारी प्रायोरिटी जॉब क्रिएशन रहेगी. अगर दुनिया के बाजार में से छाता यहाँ बेचने के लिए आता है और अम्ब्रेला और मेरे देश में बेचारा 500,000 छाता बना लेने का दुकान बंद हो जाएगा तो रोजगार का क्या होगा? मिस्टर मोदी, बिकॉज दिस यू नो बेसिकली जो मूल सवाल ये है that because of all your years in the RSS and the influence of the RSS and the Andy Marino book on you, which is your political biography, I don't know if it's an authorized or unauthorized biography which has come out, seems to indicate, Mr. Modi, that you were not completely in agreement with the RSS on their economic views. So my very simple and straight question to you, Mr. Modi, is this, that will you be guided by more by the pro-market reformist approach, which you have shown a lot of enthusiasm for, और विल यू बी गाइडेड मोर बाय द स्वदेशी आरएसएस अप्रोच? पहली बात है, जितनी किताबें मेरे पर लिखी गई है, पॉलिटिकल बायोग्राफी हो ऑटोग्राफी हो, जो भी लिखा गया होगा, न मैंने किसी को लिखने के लिए कहा है, न मैंने ऑथोराइज किया है. और कुछ लोगों ने बहुत बेईमानी करके मेरे नाम का उपयोग किया है, लेकिन मैं बोला नहीं हूँ. लेकिन आज आप पूछ लिए तो बोल रहा हूँ. मैं किसी को मान्यता नहीं देता हूँ ये सब. और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 30 दिन में शायद 150 किताबें आई हैं. जरूर. तो अब उनकी जिम्मेवारी. लेट्स लीव दैट असाइड. बट माय क्वेश्चन. नहीं नहीं, नंबर वन. तो वो ये विषय. आई थिंक कीप दैट असाइड. दूसरा, आरएसएस की थिंकिंग आर्थिक विषयों पर इतनी है कि भाई भारत का गरीब आदमी का भला हो, ये वो सोचते हैं. जहाँ तक मैं सरकार में बैठ रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि जो लोग देश के हित की इकोनॉमी सोचते हैं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. मिस्टर मोदी, ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज योर फॉरेन पॉलिसी विल बी सेंट्रल ऑन पाकिस्तान, यू हैव सेड नाउ इन अ रिसेंट इंटरव्यू दैट अ कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच इज नॉट द बेस्ट अप्रोच इन फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस. सो विल यू अलाउ
talks to continue despite ceasefire violations, despite infiltrations, because these ceasefire violations and infiltrations have really crossed all limits, especially in the last 5 years of the UPA. In your speeches, you've taken a very strong view on it. Can talks and terror continue? बम बंदूक और पिस्तौल की आवाज में बात सुनाई देती है क्या? बम बंदूक पिस्तौल के धमाकों के बीच आवाज सुनाई देती है क्या? तो बातचीत के लिए सुनाई देती है, आवाज के लिए तो बम बंदूक धमाके बंद होने चाहिए। नहीं, बातचीत के लिए बंद होने चाहिए। बंद होने के बिना बात हो नहीं सकती। बम बंदूक पिस्तौल की आवाज, यहीं पर मैं और आप बात कर रहे हैं और धमाके हो रहे हैं, तो बात होगी क्या? कैसे होगी जी? सो व्हाट बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज दैट यू कैन नॉट कंटिन्यू द एक्सपोर्ट ऑफ टेरर फ्रॉम पाकिस्तान, इन्फिल्ट्रेशन। भारत की संसद का सर्वसम्मत ओपिनियन है और हिंदुस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस ओपिनियन को बदलने का अधिकार नहीं है। So can talks continue? My question is on talks, Mr. Modi. Can talks continue with Pakistan? For example, they have not moved one inch, Mr. Modi, on the 26/11 trial. Right. And there will be. वो सारे issue आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं. आज भी खड़े हैं. तो आप अगर प्रधानमंत्री बनेंगे और पाकिस्तान का रवैया बदले नहीं, अगर 26/11 trial में progress नहीं हो, अगर infiltration continue रहे, अगर एक्सपोर्ट ऑफ टेरर कंटिन्यू रहे, तो क्या टॉक्स आपकी सरकार करेगी पाकिस्तान के साथ? आप नेगेटिव क्यों सोचते हो? अगर देश मजबूती का एहसास कराएगा तो साथी भी बदलेंगे, पड़ोसी भी बदलेंगे, माहौल भी बदलेगा। अगर बदले नहीं तो बातचीत क्या हो सकती है? बहुत सीधा सवाल है मेरा मोदी जी। आपका निराशा में पैदा हुआ सवाल है, मैं आशावादी जवाब दे रहा हूँ। Why don't you say that talks and terror cannot continue? That was the position of the BJP for all these last few years. Oh, भाई, मैं वही कह रहा हूँ जी। देश की सरकार मजबूत होगी तो समस्याओं का समाधान अपने आप शुरू होगा। So talks and terror cannot continue. That was the position of the BJP when it was out of power. मैंने अलग शब्दों में कहा कि बम बंदूक और पिस्तौल की आवाज में आवाज कहाँ सुनाई देती है? मैंने वही तो कहा आपको। Exactly. So you've said that you and I are saying basically the same thing. Mr. Modi, recently the Interior Minister of Pakistan reacted and some say overreacted to your comment on Dawood Ibrahim. And now my question to you is, considering that the UPA government has completely failed to bring Dawood Ibrahim, or, you know, we keep giving them files on Dawood Ibrahim. If I'm not mistaken, we gave them another file a few days back. Will you adopt the same tactics of asking and pleading with Pakistan to cooperate on Dawood Ibrahim? Because all the intelligence proof is that he is in Pakistan, that he lives in Karachi, and he has the support and patronage of the Pakistan government and the ISI. मैं मानता हूँ ये नॉन इशू का आप इशू बना रहे हो। नॉन इशू इन द सेंस इस लेवल का इशू नहीं है जो हमको सुनिए। इस लेवल पे जहाँ चुनाव देश का पहुँचा है, वहाँ अगर आप इसी खिलौने से खेलोगे तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो। नंबर वन, मेरी डिबेट क्या थी? मुझे सवाल पूछा गया था शिंदे के विषय में, मेरा जवाब भारत के गृह मंत्री के संबंध में है, मेरा जवाब किसी टेररिस्ट या किसी अंडरवर्ल्ड वाले के व्यक्ति के संबंध में मेरा क्या था? उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैंने इनका कहा, मैंने कहा देखो भाई, ये काम पत्रकार परिषदों में नहीं होते हैं। मैंने कहा ये ओबामा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन किया क्या? तो मैंने कहा मैं चुनाव के समय ऐसी बयानबाजी ये होम मिनिस्टर को शोभा नहीं देती, मेरा इतना ही जवाब है। मैं उस व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मुझे टाइम खराब करना चाहिए, गवर्नमेंट मशीनरी है, अपना काम करेगी। व्हाट यू सेड आई नो, यू सेड डिड द अमेरिकन टॉक विद बिन लादेन, आई नो व्हाट यू सेड देयर, बट माय क्वेश्चन इज कैन द ओल्ड पॉलिसी कंटिन्यू विजावी द भाई। मैंने ये कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन किया था, मेरा शब्द ये था। ये तो ये शिंदे जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ती है? मोदी ये चुनाव के समय इस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शिंदे जी को शोभा देता है क्या? ये दैट वॉज माई इशू, वॉज शिंदे, इशू वॉज ए स्टेटमेंट, issue was not a concerned person. Mr. Modi, on America, I know you've been asked the question on the visa ban and you've given a reply. I don't want to repeat the same question and get the same answer. I just want to ask you one question to get your full sense on foreign policy. Mr. Modi, there has been a view that the UPA government has been soft on foreign policy issues. You have talked about it yourself. And also, especially, there has been a view that the Manmohan Singh government has been too soft towards America. I'll give you one example and I want an answer, which I think will allow our viewers to read your mind.
Mr. Modi, recently the Brazilian president, Dilma Rousseff, she called off a state visit to the United States in September last year because there were news reports that America had spied on her communications as well as that of other Brazilians. Mr. Modi, at the same time, it was also revealed that the United States snooped on the Indian embassy as well. यानी कि हमारे एम्बेसी पे उन्होंने स्नूप किया, हमारे जो दूतावास है वहाँ पे, और इंडिया वॉज द फिफ्थ मोस्ट ट्रैक्ड कंट्री बाय द अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज, इट वॉज रिवील्ड ऑफिशियली. इन सच अ सिनेरियो, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, वुड यू हैव रिएक्टेड इन द वे दैट द ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट डिड, और वुड यू हैव रिएक्टेड इन द वे द यूपीए गवर्नमेंट रिएक्टेड व्हेन दिस फैक्ट केम आउट? व्हेन वी विल गेट द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, विल एनालाइज इट. And we'll come to the conclusion what to do. Would you have been tougher? My simple answer is, I don't have any information. I can't go through the media reports. Once I'll get the, when we will there in the government, we'll get the correct information, we'll analyze it, and we will formulate our strategy. Mr. Modi, two more questions. One, the question which you've been asked very often. In a Narendra Modi government, will Rajnath Singh or Sushma Swaraj be in Narendra Modi's cabinet? Will they find space in the cabinet? Thank you, aapne government bana di. Kuch kaam mere par chhod dijiye. Meri party ki team par chhod dijiye. Team baith karke charcha karenge. You know the context of my question. That will they find space in your team cabinet? Will decide. The whole team will discuss, will decide. Kya karna chahiye, kaise karna chahiye. Mr. Modi, one view is that you've run a very effective campaign, a very tough campaign, and a very aggressive campaign. When and if you form the government, Mr. Modi, the same strength of yours, that you can take a lot of responsibility upon yourself, is used by some critics to say that could be your weakness, that you over-centralize. I want you to give your clear view today before we wrap up the interview. मेरा व्यू लेने के बजाय अच्छा होगा मेरा 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया जाए. आपको हैरानी होगी कि गुजरात की इतनी विकास की जो क्रेडिट मुझे दी जा रही है ना, वो गलत है. सचमुच में टीम काम कर रही है. आपको हैरानी होगी मेरे पास कोई काम ही नहीं है सरकार में. 14 साल से मेरे पास कोई काम नहीं है जी. मैं कोई काम सरकार का नहीं करता हूँ. मेरी टीम को मैं काम दे दिया है. सभी मंत्री स्वतंत्र हैं. हाँ, हम सप्ताह में एक दिन बैठते हैं, सब मिलकर के डिस्कस करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. इससे ज़्यादा मेरा कोई रोल ही नहीं है. और इसलिए मेरी गुजरात की जो सफलता है, वो सफलता इस बात में है कि टोटली सारी टीमों को एम्पावर किया हुआ है. वही करते हैं. दूसरी बात है मुझे जो भगवान की मेहरबानी है, मुझे, मैं अभी भी मानता हूँ कि हर आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए. देन इंस्टीट्यूशनलाइज एक्टिविटी विल वर्क. और मैं एक उदाहरण दूँ आपको. जब नया मैं 2002 में गुजरात ख़त्म हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा वगैरह चल रहा था, आई डिसाइडेड टू हेड ऑन. मैंने 2003 में सारे अपप्रचार के बाद तय किया वाइब्रेंट गुजरात करूँगा, इन्वेस्टर्स को लाऊँगा. सारा मीडिया मेरे खिलाफ था. सारा इतना जोर लगाया था जैसे कोई गुजरात में कोई एक रुपया डाले जैसे कोई पाप कर रहा है, ऐसा माहौल बना दिया था. हम लगे, मैं करीब 8-9 महीने मेहनत किया. रोज़ समय देता था, मीटिंग करता था. वाइब्रेंट समिट मेरे अफसरों में भी उत्साह भरना था. 2005 का आया तो मैंने मुश्किल से 2-4 मीटिंग में पूछा क्या हो रहा है. 2007 में आया तो सर आकर उन्होंने जो ब्रीफिंग किया साहब ऐसा हो रहा है. 2009, 2011, 2013 वाइब्रेंट समिट हुआ, मैं सिर्फ उद्घाटन के समय गया हूँ. मुझे मालूम नहीं है कि किस प्रकार का ऑर्गेनाइज हो रहा है. और चीज़ें पहले से बहुत अच्छी हुई. मेरे यहाँ मैं कृषि महोत्सव करता हूँ. एक महीना भर गांव में जाता हूँ, खेत तक जाता हूँ, पूरी सरकार को ले जाता हूँ. शुरू में मैंने इस कंसेप्ट के लिए 15 दिन 20 दिन मेहनत किया. आज 10 साल से मैं सिर्फ, मुझे सूचना आती, मैं कार्यक्रम में चला जाता हूँ. बाकी इंस्टीट्यूशन वर्स, सिस्टम वर्स, तो मुझे कार्य करने की मेरी जो आदत है, बेसिकली मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये मेरे ब्लड में है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या टाइम रिसोर्स हो, मनी रिसोर्स हो, जो भी हो, ये मुझे परमात्मा ने गिफ्ट दी हुई है. खुद मैं कुछ नहीं करता जी.
कुछ नहीं करता जी, आपको हैरानी होगी। और शायद हिंदुस्तान में सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करने की हिम्मत कोई राजनेता में नहीं होगी। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ जी, सब मेरी टीम करती हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर रही है, और टीम ही करनी चाहिए, मेरा मत है। मिस्टर मोदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू टाइम्स नाउ के दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आप सबको मैं टाइम्स नाउ के माध्यम से कहता हूँ, पूरे देश में 8 चरण पूर्ण हो चुके हैं, 9वां चरण भी पूर्ण हो जाएगा। लोकतंत्र की ताकत देश की जनता है, मैं जनता को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर मोदी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू।